यह किस तरह का कंस्ट्रक्टर पसंद करता है? आओ, दर्द हो रहा है, अब मैं खाना चाहती हूँ, खाना। हाँ, क्या यह शोर कैसा है? पॉली को भूख लगी है, दादी आ रही है। मुझे चीखें सुनाई दे रही हैं। चलो थिंक, हमें जांचना होगा। यहाँ डोनट। क्या पॉली रो रही है? मैं पहले से आ रही हूँ बहन। ओ, तुम आ गए हो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। अच्छा तो ठीक है, सबसे पहले मुझे पैनकेक्स चाहिए, यहाँ वे है। आसान, मेरे पास बैटर तैयार है। ठीक है, मैं पैनकेक्स बनाऊंगी। ठीक है, मेरी फेवरेट करछुल कहाँ है? यह है, मैं बैटर ले लूंगी और इसे पैन में डाल दूंगी। पहला पैनकेक तैयार है। क्या अच्छा नहीं है लड़कियों? अरे थिंक, मेरे लिए वो बोतल लाओ। ठीक है, मुझे इंक की जरूरत है। उसे बैटर में डालते हैं और मिक्स करेंगे। सुंदर रंग। मैं इसे पैन में डालती हूँ और मेरा पैनकेक तैयार है। ओ नहीं, काला बहुत ज्यादा है, मैं सुंदर रंग लूंगी। तो मैं इसे तेल के एक स्टेंसिल से भर देती हूँ। क्या बैटर खत्म हो गया है? चलो। ओह, मैं बैटर में ढकी हुई हूँ। उप्स, खैर कोई बात नहीं। ओ, लगता है मैंने सब कुछ साफ कर दिया। ओ, मेरे हाथ पर थोड़ा सा बचा है, यह मायने नहीं रखता, स्वादिष्ट था। ठीक है, मैं अपने पैनकेक को रंगती हूँ। तो वह तैयार है, तुम्हें यह कैसा लगा? ओह, और यह मेरे लिए अपना पैनकेक उतारने का समय है। तो अब मैं उन्हें मैपल सिरप से ढकूंगी। यह हुई ना बात, पॉली को मीठा बहुत पसंद है। मेरा आखिरी पैनकेक तैयार है, अब हमें उन्हें सजाना चाहिए इस खून के जैसा लाल सिरप के साथ। और इसके बाद इस पर मकड़ियों को भी डालते हैं। लड़कियों को मकड़ियाँ पसंद है ना? खैर पॉली, क्या तुम हमारे डिशेस का स्वाद लेने के लिए तैयार हो? वाह, प्लेट पर क्या है? आह, ये मकड़ी है, छी, उन्हें फेंकना बेहतर है। ठीक है, मैं वेंसडे के पैनकेक्स को खाती हूँ। वे सच्ची में स्वादिष्ट है। चलो ठीक है, और आगे क्या है? दादी की पैनकेक्स। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है और बहुत मीठे है, मुझे ये पसंद आया। ओह, ये एक यूनिकॉर्न है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ स्वादिष्ट यूनिकॉर्न। यह कितना स्वादिष्ट है, और मुझे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है। कैंडी, तुम इस बार जीतती हो। हुर्रे, मैं सबसे कूल हूँ। अब मेरे लिए फ्रेंच फ्राइज बनाओ। अच्छा, तो आलू को छीलना जरूरी होगा। क्या कैंडी क्या कर रही है? यह देखो, ये एक लाइफ हैक है, आलू कुछ सेकंड में छिल जाएंगे। ओह, छिलके के बारे में मुझे माफ करो, यह गलती से हुआ। और अब मेरा विशेष आलू चाकू, बिल्कुल परफेक्ट स्लाइस। मैं उन्हें कटोरे में डालूंगी और डाई जोड़ूंगी। मैं इसे मिलाऊंगी और वाइला, अलग अलग रंगों के आलू तैयार है। मैं अब कढ़ाई में तेल डालूंगी और इसमें फ्राइज को डाल करके तल लूंगी। कुछ मिनट में मेरे आलू तैयार हो जाएंगे, मैं बाहर निकालूंगी और बाकी को भी करूंगी। सब तैयार है। अरे क्या तुम सो रही हो? उठो। ओह, मैं सो गई थी। हाँ, तो हमें आलू भूनने की जरूरत है। इस तरह से। वाव, क्या खुशबू है। मैं इसे एक प्लेट पर रखूंगी और बीच में केचप डाल दूंगी, और केवल नमक जोड़ना ही बाकी है। आलू तैयार है, हम उन्हें पार्चमेंट पेपर पर रखने की जरूरत है। और अब मेरा विशेष स्प्रे। क्या क्या यह फंस गया है या कुछ और? ओ, ओ, लगता है कि यह फंसा नहीं है। ओह, वेंसडे, तुम पूरी काली हो गई हो। ओह, तुमने बूढ़ी औरत को डरा दिया। कोई बात नहीं, मैं आलू पर वापस जाऊंगी, वे पूरे काले होने चाहिए, यही मुझे चाहिए। मैं इसे कटोरे में डालूंगी और केचप जोड़ूंगी। ओह हाँ, ये मेरी स्टाइल है। अब तुम क्या करती हो, देखते हैं पॉली। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए?
यह दिलचस्प लग रहा है, मैं इसे खाती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। इतना स्वादिष्ट कि मैंने सब कुछ खा लिया। अब यह फ्राइज, मैं इसे केचप में डुबोंगी और खाऊंगी। दादी ये स्वादिष्ट है, मैं फ्रेंच फ्राइज को बहुत पसंद करती हूँ, मैं सब कुछ खाऊंगी। वाओ दादी ये स्वादिष्ट है। दादी आपने अच्छा किया, धन्यवाद पोती। वाह ये रंगीन आलू, मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये ऐसा है जैसे मैं इंद्रधनुष खा रही हूँ। कैंडी इसकी तो बात ही अलग है। हुर्रे मैं फिर से जीती। ओ ओ मैं गिर रही हूँ। वाह अब मुझे तुरंत बर्गर चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। ठीक है आसान है बहन, तो शुरू करो। स्टोव को पूरी स्पीड में चालू कर दिया और अब हमें बंस को भूनने की जरूरत है। पूरी तरह से भूरा और अब यह कटलेट बनाने का समय है। मैं एक फ्राइंग पैन में कीमा डालूंगी और एक सर्कल बनाऊंगी। यहाँ एक कटलेट है और ऊपर से चीज, और मैं इसे एक ब्रेड पर रखूंगी। मैं इसे एक और बन के साथ कवर करूंगी और मेरा बर्गर तैयार है। ये बोरिंग बंस क्यों, इसे फेंक देती हूँ। मैं एक डोनट लूंगी, मुझे फ्राइंग पैन की भी जरूरत नहीं है। मैं इसे आधे में काट दूंगी और बस इस तरह से मैं इसे आधे में काट देती हूँ और फिर मैं इसके अंदर चॉकलेट रखूंगी। मुझे इस लिक्विड कैंडी को आजमाने की जरूरत है। बुरा नहीं है। चलो अब इसे डालते हैं। ओके। सुपर। और अब मार्शमेलो, बस इस तरह से, और गमी बेयर भी। मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ सब कुछ भर दूंगी और इसे डोनट्स के दूसरे भाग के साथ कवर करूंगी। देखो कितना सुंदर है। और वो वेंसडे क्या कर रही है, तो मैं इस तरह चाकू से चीज पर दांत के आकार का पैटर्न बनाऊंगी। मैं इसे एक ब्रेड पर रखूंगी, फिर एक कटलेट, एक पिकल जीभ, फिर दूसरा चीज। मैं इसे एक बन के साथ कवर करती हूँ और दो छेद बनाती हूँ। वहाँ मस्टर्ड डालती हूँ, यह अच्छा लग रहा है। मुझे और क्या चाहिए, बिल्कुल आंखें, थिंक, चलो उन्हें मेरे पास लाओ। बस जल्दी करो। हाँ ये फिट होंगे। अब मैं उन्हें ऊपर रखूंगी और मेरा मॉन्स्टर बर्गर तैयार है। कितना डरावना है। ओह हाँ पॉली ये तुम्हारे खाने का समय है। ओह वाह ये कितना अच्छा है, मैं इसके साथ शुरू करूंगी। यम यम यम, वाह ये स्वादिष्ट है। मुझे पता है, अब यह वाला। ओह ये बहुत सूखा है, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं सॉस के बारे में भूल गई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वाह और यह क्या है, मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है। अरे मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। और मुझे किसे चुनना चाहिए। हाँ ठीक है, यह मॉन्स्टर सबसे अच्छा निकला। वेंसडे जीती।